जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके कक्षा 12 हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ 1 कार्नेलिया का गीत के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, जो कि आपके वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। यह जो कार्नेलिया का गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कहता है पहला प्रश्न, कार्नेलिया का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? विकल्प है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। यहाँ पर सही उत्तर पहला होगा, चंद्रगुप्त से संबंधित है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, कार्नेलिया कौन थी? विकल्प है चंद्रगुप्त की पुत्री, सेल्यूकस की बहन, सेल्यूकस की बेटी, चंद्रगुप्त की बहन। कार्नेलिया के बारे में आपको बताना है। दूसरे का सही उत्तर 3 होगा, सेल्यूकस की बेटी थी कार्नेलिया। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बच्चा, कार्नेलिया किस नदी के तट पर गीत गाती है? विकल्प यहाँ पर है सिंधु नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। तीसरे का सही उत्तर ए होगा, सिंधु नदी के तट पर कार्नेलिया गीत गाती है। चौथा प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? देश भर में लोग प्रेम पूर्ण माहौल में रहते हैं, यहाँ की धरती सूखी सूखी है, यहाँ के लोगों में परस्पर बैर भाव है या उपयुक्त सभी। चौथे का सही उत्तर होगा, भारत देश में लोग प्रेम पूर्ण माहौल में रहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है? भारत के गौरव और विशेषताओं का बखान करना, भारत के अतीत की कमियों को उजागर करना, भारतवासियों के पश्चिमी होने की विशेषता को उजागर करना, भारत की युद्ध कौशल की विशेषता बताना। पांचवे का सही उत्तर यहाँ पर एक होगा, भारत के गौरव व विशेषताओं का बखान करना। ठीक है, चलिए अब हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है पहला प्रश्न, कार्नेलिया का परिचय दे। तो इसमें लिखेंगे, यहाँ पर बहुत ही शानदार सा जवाब लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है, वह चंद्रगुप्त नाटक की एक नारी पात्र है, वह भारत की प्रकृति और संस्कृति का गुणगान करते हुए भारत के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करती है। दूसरा प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन है? तो इसमें लिखेंगे, कार्नेलिया का गीत यहाँ पर, कार्नेलिया भारत भूमि की महिमा का बखान कर रही है, प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा यह देश बहुत ही आनंददायी है, विश्व के कोने कोने से आए ज्ञानियों, जिज्ञासुओं एवं शुभकामनाओं वाले मनुष्यों को यहाँ आकर तृप्ति एवं संतुष्टि का एहसास मिलता है। तीसरा प्रश्न है, कार्नेलिया के गीत की क्या विशेषता है? तो आप इसमें लिखेंगे, कार्नेलिया का गीत के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत की विशेषताओं की ओर संकेत किया है। इस गीत में उन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन करते हुए कहा कि यह भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है, भारत के कण कण में प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, कार्नेलिया का गीत में किसका मानवीकरण किया गया है? तो इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत गीत में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है।
इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल जल भरकर लोगों के जीवन में सुख रूपी सुख रूप से लुढ़का जाती है। अतु या अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत किस प्रकार का गीत है? नोट करेंगे, कार्नेलिया का गीत देश की गौरव गाथा का गीत है। यह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। दूसरा प्रश्न है, स्कंदगुप्त किसका सपना देखते थे? लिखेंगे, स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की पुत्री का विजया का स्वप्न देखते थे। तो ये था एमसीक्यू प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको अगली वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर करवा दिए जाएंगे। तो आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।